स्मार्ट आयुर्वेदिक केस टेकिंग के पांचवें दिन के मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक जो लास्ट पोर्शन रहा है स्मार्ट आयुर्वेदिक केस टेकिंग का वो लेंगे और उसके बाद कुछ अप्लाइड केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और आपके कुछ असाइनमेंट्स रहेंगे तो उसमें आपको ऑनबोर्ड बुलाएंगे। अभी मैं मेरा कंटेंट आपको शेयर करता हूं। से पहले प्रार्थना लेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषामहे। ओम शांति शांति शांति। कुछ पॉइंट्स और निकाले हैं मैंने, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत वास्ट टॉपिक है, जितनी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने में सक्षम रहा हूँ वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। स्वभाव के बारे में कुछ चीजें हम पूछ सकते हैं। कुछ का हिंदी ट्रांसलेशन मैं बता नहीं सकता। चिड़चिड़ा स्वभाव है क्या, मतलब एंग्री स्वभाव है क्या, और अंदर ही अंदर कुछ चीजें बार बार सोचने की आदत वाला स्वभाव है क्या, वो है। और फिर ज्यादा इमोशनल स्वभाव है क्या, वो है पॉइंट। पास्ट में जो चीजें कुछ पेनफुल अगर कुछ मेमोरीज है पास्ट की, वो रिमाइंड करके बार बार सॉरोफुल सिचुएशन में रहने की आदत है क्या, ये पूछ सकते हैं। और किसी ने गुस्से में अगर कुछ कहा तो वो जो कहा हुआ सेंटेंस रहता है वही बार बार सोच के और उसके साथ और कुछ खुद विचार करके नए नए सेंटेंस क्रिएट करके खुद मतलब बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेट करने का स्वभाव है क्या। एक काम करते वक्त दूसरा ही विचार बार बार अगर दिमाग में आता रहेगा तो फिर लॉक की चाबी भूल जाना, लॉक लगाया है कि नहीं ये भूल जाना, या गाड़ी की चाबी भूल जाना घर में, या गाड़ी को चाबी वैसे ही रह जाना कहीं पे जाने के बाद, या बैंक में पेन बिना लेके जाना, या अगर बाहर जाते वक्त हेलमेट लेने के लिए भूल जाना, या फिर बैग भूल जाना कहीं पे जाने के बाद, या घर में बैग भूल जाना, या दूसरी जगह जाते वक्त भी जो अपना रेगुलर रोड है उसी रोड पे अपने आप गाड़ी चली जाना सोचते सोचते, ऐसा होता है क्या, या पिछली कुछ जो कुछ मेमोरीज रहेंगी वो बार मतलब वो पूरी तरह से भूल जाना, इसमें से कुछ है क्या, ये भी पूछ सकते हैं। हमेशा शक करने का स्वभाव होना, या किसी पे भी विश्वास ना होना, या किसी किसी पे ज्यादा विश्वास डालना, या किसी किसी पे बहुत
कम समय में विश्वास डाल के या बहुत कम समय में उसे ज्यादा मन की चीजें शेयर करना, दूसरे के ऊपर अपना हक जमाना, या सेल्फ डिपेंडेंसी कम होना, दूसरे को बहुत सारी जो अपना काम है वो दूसरे से करवा के लेने की आदत है क्या, और उसने अगर वो काम नहीं किया तो गुस्सा आता है क्या, या हमेशा हर चीज में मैं ही अव्वल हूँ, मेरा ही सुनना चाहिए, ऐसा नेचर है क्या, या दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करने की आदत है क्या, मैं ही होशियार हूँ और बाकी सब बेवकूफ है, ऐसी सोच है क्या, या फिर हमेशा अकेले रहने की आदत है क्या, या स्वभाव है क्या, अकेले रहना है, किसी की भी चीज का टेंशन नहीं चाहिए, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, ऐसा लगता है क्या, साधे साधे मतलब छोटे सिंपल सिंपल शब्द भी सहन नहीं हो पाते, ऐसा है क्या, या कोई भी आवाज या गाना वगैरह वो आपको आप सहन नहीं कर पाते, ऐसा है क्या, सब छोड़ के कहीं पे दूर किसी को बिना बताए जाने की सोच आप में आती है क्या, ऐसे कुछ जो सवाल है जिससे आप जो मेंटल स्टेट है पेशेंट का कैसा है इसके बारे में जान सकते हैं। आप अलग से मानस भावों का या मानसिक अवस्था का मुआयजा लेने के लिए आप अलग से भी अपना एक फॉर्म बना सकते हैं, और जो जिनको ये जरूरत है उनको आप बाद में दे सकते हैं डिटेल में जाके। और कृमि के जो आज के जमाने में जो हेतु दिखते हैं उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं कि मिठाई खाने की आदत, चॉकलेट, कैडबरी, जेली, केक्स, पेस्ट्रीज, रेडीमेड नूडल्स, टोमेटो सॉस, क्रीम रोल्स, क्रीम बिस्किट्स, इन सब की आदत है क्या, ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं जो कृमि के हेतु होते हैं। और विरुद्ध आहार हमें पता है, दूध और मांस एक साथ नहीं खाना है या दूध और फल एक साथ नहीं खाना है, लेकिन प्रैक्टिकली उसमें और क्या क्या वैरायटीज पॉसिबल है या लोगों को समझ में आए ऐसे आप डेप्थ में जाके कैसे पूछ सकते हैं उसके बारे में कुछ सेंटेंस लिखे हैं। मांसाहार मतलब नॉनवेज खाने के बाद आइसक्रीम वगैरह आइसक्रीम एक्सेट्रा दूध के पदार्थ खाने खाते हैं क्या, या दूध के पदार्थों के बाद या उनके नियर बाय आप नॉनवेज खाते हैं क्या, ये पूछना है। फॉर एग्जांपल पनीर मसाला के साथ चिकन हंडी खाना, या श्रीखंड पूरी के साथ मटन या चिकन खाना, या फिर दूध के पदार्थों के बाद या उसके नियर बाय खट्टे या नमकीन पदार्थ खाना। फॉर एग्जाम्पल श्रीखंड के साथ साथ आचार खाना, या नींबू लेना, या फिर श्रीखंड के बाद नींबू शरबत लेना, या फिर श्रीखंड के बाद बटाटा चिप्स या कुरकुरे या रेडीमेड चिवड़ा जो होता है वो खाना, श्रीखंड या पनीर के बाद कैरी का पन्हा खाना, पन्हा पीना, ये कुछ जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसके बारे में मेंशन किया हुआ है। अभी हम केस टेकिंग के फॉर्म पे आते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में क्या क्या पूछना है ये इन डेप्थ मैं आपको बताता हूँ। मेंस्ट्रुएशन कब स्टार्ट हुई, उम्र के कौन से साल मतलब कौन सी उम्र में शुरू हुई, ये लिखना है। और मेंस्ट्रुएशन से लेकर मेनार्क से लेकर
मैरिज तलक का जो मेंस्ट्रुएशन का स्वरूप है वो पूछना है, अगर उसमें वो स्वरूप सेम ही होगा तो वो लिखना है, और अगर मेनार्क के एक दो साल में अगर कुछ तकलीफें होती हो और वो स्वरूप अलग रहेगा तो वो आप अलग से मेंशन कर सकते हैं, और नॉर्मलाइज हो जाने के बाद मेंस्ट्रुएशन नॉर्मलाइज हो जाने के बाद से मैरिज तलक का जो मेंस्ट्रुएशन है वो अलग से लिख सकते हैं, और फिर मैरिज के बाद अभी तलक का मेंस्ट्रुएशन अगर एक ही तरीके से है तो वो आपको फिर अलग से लिखना है। ये जो है ऐसे तरीके से लिखेंगे तो काफी सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। सॉरी, फिर अगर मेंस्ट्रुएशन रिसेंटली कुछ इयर्स में उसमें कुछ चेंजेस हो गए या पेनफुल होगा या कुछ तकलीफ हुई, कुछ वेरिएशन होगा तो वो भी आप लिख सकते हैं, और अगर मेनोपॉज हो चुका है ऑलरेडी तो उसके बारे में मतलब प्री मेनोपॉज की वक्त की जो मेंस्ट्रुएशन की हिस्ट्री है वो भी लिख सकते हैं आप, और अगर रिसेंटली मेनोपॉजल एज में या प्री मेनोपॉजल या पेरी मेनोपॉजल एज में अगर है तो अभी का रिसेंट जो कुछ सिनेरियो है वो लिख सकते हैं आप। और कैसे लिखना है ये मैंने दिखाया यहाँ पे, 3 to 4 days ब्लीडिंग्स अगर होती है तो वो लिखना है, और जो मेंसेस है वो 28 से 30 दिन में आते हैं या कुछ ऐसा जो एवरेज है, फॉर एग्जांपल 30 दिन से आते हैं लेकिन 4-5 दिन पहले आते हैं तो आपको लिखना है 25 to 30, और 30 दिन से आते हैं और बोले कि हर बार 4-5 दिन आगे जाता है ऐसा अगर बोले तो 30 to 35 डेज में आती है ऐसा आगे यहाँ पे लिखना है। और डे 1 में डे 2 में डे 3 में डे 4 में ऐसे अलग अलग से उसमें डे 1 में कितने पैड लगते हैं और वो लिखना है, या अगर पैड नहीं इस्तेमाल कर रहे तो फैब्रिक का कुछ इस्तेमाल कर रहे तो वो भी लिख सकते हैं, या इको फ्रेंडली पैड भी आजकल कोई यूज करता रहेगा वो भी लिख सकते हैं, या फिर सिलिकॉन का जो है वो भी कोई लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, और जो है कि डे 1 में कितने पैड लगते हैं वो आपने को लिखना है, फिर उसका स्वरूप कैसे होता है, फॉर एग्जांपल डार्क ब्लैक होता है या रेडिशी होता है या फोमी होता है या क्लस्टर्ड रहता है, ये सब आप लिख सकते हैं, और लोअर बैक पेन, लोअर एब्डोमेन पेन, लेग पेन इसमें से कुछ होता है तो वो आप लिख सकते हैं, वो होता है तो एमसी आने से पहले ये होता है कुछ दिन पहले, या एमसी आने के बाद पहले 2 दिन होता है या कैसा है वो सब मेंशन करना है आपको, और रेस्ट लेने के बाद अपने आप वो पेन रिलीव होता है ऐसा होता है कि आपको उसके लिए कुछ मेडिसिन लेना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल कुछ एंटी स्पाजमोडिक तो आप कुछ ले रहे हैं मेपस्टाल स्पाज वगैरह तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, और अगर कुछ इंजेक्शन कभी कभी लेना पड़ता है पेन किलर का या एंटी स्पाजमोडिक का कुछ दवाई लेना पड़ता है तो वो आपको लिखना है। और ये जो चीजें हैं आप खुद पूछ के भी आप लिख सकते हैं अगर पेशेंट लिख नहीं पाया तो, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है लोगों को, और फॉर फीमेल्स, फीमेल्स में ऑप्स की हिस्ट्री अगर पूछनी है तो इसमें उनका कुछ एबॉर्शंस अगर होके गया रहेगा तो वो लिखना है, मतलब सीक्वेंस से लिखना है, एबॉर्शन अगर डिलीवरी फर्स्ट या सेकंड डिलीवरी के बाद हुआ है तो तब लिखना है, या डिलीवरी के पहले हुआ है तो लिखना है, एबॉर्शन या कुछ प्रेगनेंसी इसमें से कुछ भी जो कुछ है वो सीक्वेंस में आपको लिखना है, ये डिलीवरी अगर हुई है तो सॉरी मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है वो लिखना है,
जी वन मेल या फिर उसमें नॉर्मल डिलीवरी हुई है, सीजर सेक्शन हुआ है या एलएससीएस हुआ है वो लिखना है। सीजरियन सेक्शन को शॉर्ट फॉर्म में आप एलएससीएस लिख सकते हैं। फिर कितने महीने के बाद हुई है, फॉर एग्जांपल जो 8 महीने के बाद हुई है या 9 महीने 9 दिन पूरे हो चुके थे, जो कुछ है वो डिटेल लिखना है। और बेबी का वेट आफ्टर बर्थ कितना था वो मेंशन करना है, और आफ्टर बर्थ उसकी कंडीशन कैसे थी, उसको को अगर कुछ तकलीफ थी या कुछ न्यूनेटल जॉन्डिस था, ऐसा कुछ था तो वो मेंशन करना है। और कुछ इमरजेंसी हुई तो वो लिखना है, और GPALD ये सिक्वेंस से लिखना है। कीप इट, और पेशेंट खुद ये नहीं लिख पाएगा, ये आप ही को लिखना है। तो ये ऑप्स हिस्ट्री में ये सब पॉइंट्स आने जरूरी है, जिससे आपको काफी सारी आइडिया आ जाएगी। अगर DNC बार बार की है तो वो भी समझ में आएगा। और एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, उसी पिल्स कितनी बार ले चुके हैं ये आप मेंशन कर सकते हैं, या फिर कॉपर टी का यूज कब से कर रहे हैं या कब से कब तक किया है, ये भी आप डिटेल लिख सकते हैं। Write list of use of oral contraceptive pills. Write if you have used any. Property, etc. ऐसे कुछ पॉइंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। ये जो है फीमेल केस में मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री और ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री काफी मायने रखता है, और इसमें से काफी सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। और अगर ओवर ब्लीडिंग की अगर कुछ हिस्ट्री है तो, या कुछ कम ब्लीडिंग की हिस्ट्री है तो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। और अगर फाइब्रॉइड वगैरह होके गया है या PCOD है या जो कुछ रहेगा उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, क्या वो सब यहाँ से लिंक लगती है। और कोई कोई पेशेंट में ऐसा होता है कि उनकी हिस्टेरेक्टोमी जो है बहुत कम उम्र में हो चुकी रहती है, और हिस्टेरेक्टोमी के बाद उनको एक तो मेधावृत्त वात की संप्राप्ति हो सकती है, जो ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम्स उनमें दिख सकते हैं। या हिस्टेक्टोमी के बाद कोई कोई पेशेंट ऐसे रहते हैं कि जिनमें स्किन डिसीज या फिर एसिडिटी दिखाई देता है, तो ये भी है, उसको भी आप अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं।
ऐसे जो पेशेंट हैं उनमें जो टॉक्सिन्स जो है जो बाहर जाने चाहिए हर एमसी में, तो वो बाहर नहीं जा पाते और उसकी वजह से जो ब्लड में इम्प्यूरिटीज भी रहती है और वायु जो है, वायु की जो अनुलोम गति है वो प्रॉपर होने के लिए तकलीफ होती है। तो ये जो है दुष्ट वायु और दुष्ट पित्त जो रक्तगामी हो जाता है, दुष्ट वायु की वजह से दुष्ट पित्त है वो रक्तगामी हो जाता है, फिर उसके लिए उसकी वजह से एक तो अम्ल पित्त या फिर कुछ स्किन डिसीजेस ऐसे पेशेंट्स में पाए जाते हैं। तो ये देख के आपको अपनी ट्रीटमेंट प्लान आपको करनी पड़ती है, उनको अनुलोमक कुछ औषधियों का इस्तेमाल ताकि और वात कम हो जाए ये आपको सोचना पड़ता है, और पित्त शमन करके रक्त प्रसादन हो ऐसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको करनी पड़ती है, जिससे पोस्ट हिस्टेक्टोमी स्किन डिजीज या एसिडिटी जैसी जो संप्राप्ति हुई होती है उसमें काफी सारा आराम मिलता है। मेरी आवाज कम आ रही थी क्या? वॉइस मैंने अभी बढ़ाया है। और आप ये भी कर सकते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री जो है, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि जो जनरली जो पैड इस्तेमाल किए जाते हैं सैनिटरी पैड्स, उसमें केमिकल का लेयर होता है, इसलिए वो अवॉइड करने के लिए इको फ्रेंडली पैड के बारे में आप थोड़े जो फीमेल पेशेंट्स हैं उनको आप एजुकेट कर सकते हैं और इको फ्रेंडली पैड के बारे में उनको ज्यादा जानकारी दे सकते हैं और आप वो प्रमोट कर सकते हैं ताकि उनसे उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। क्योंकि जैसे अभ्यंग का इफेक्ट रहता है, जैसे स्किन से वो ऑयल का एब्जॉर्प्शन होता है और हमें जो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, और वैसे ही स्किन ये बिगेस्ट ऑर्गन है और वहां से जो एब्जॉर्प्शन होता है किसी भी केमिकल का, उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में अपने शरीर पे होने के चांसेस काफी रहते हैं। जैसे अगर डाइपर भी ज्यादा इस्तेमाल किया तो जैसे डाइपर रैश होते हैं, वैसे ही ये जो केमिकल लेयर वाले जो केमिकल लेयर वाले जो पैड है उसका भी दुष्परिणाम अपने शरीर पे होता रहता है। तो इसलिए इको फ्रेंडली पैड को आपको प्रमोट करना है जिससे और हेल्दी स्टेट उनमें आ सके। हाँ, और मेरी केस टेकिंग का सबसे महत्वपूर्ण भाग ये रहता है दिनचर्या। पेशेंट को दिनचर्या आपको पूछनी है और वो दिनचर्या पूछते वक्त बहुत बार ऐसे होता है कि पेशेंट जो दिनचर्या उन्होंने अभी फिलहाल चेंज की हुई है या फिलहाल वो बहुत सारे फॉर एग्जांपल अभी अभी वो एक दो वीक से या एक दो दिन से अगर वो एक्सरसाइज करना शुरू किया है उन्होंने वगैरह ऐसे कुछ चेंजेस किए हैं, तो वो लिखने में कोई पॉइंट नहीं रहता। डायरेक्ट वही मतलब वो दिनचर्या को अगर आप फाइनल कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमें दिनचर्या में एक्चुअली ये फाइंड आउट करना होता है कि कौन सी डाइट और लाइफस्टाइल की हैबिट की वजह से पेशेंट को ये डिसीज हुआ है या डिजीज का क्या एग्रेवेटिंग फैक्टर है, अगर कॉजिटिव फैक्टर नहीं है तो वो भी आपको ढूंढना है। तो इसके लिए आपको दिनचर्या में सबसे पहले मतलब वर्तमान व्याधि वृत्त में जैसे आपने पूछा रहेगा इतने सालों से ये होने लगा या ये साल से ये शुरू हो गया, तो
जो डीसी जहां से सिम्टम दिखाने लगा है वहां से पीछे जा एक या दो साल या जब उनका डाइट और लाइफस्टाइल खराब था उसके पीछे वो ड्यूरेशन में का डाइट लाइफस्टाइल आपको पहले पूछना है। उसके बाद डीसी स्टेट में डाइट और लाइफस्टाइल कैसा था वो पूछना है, और उसके बाद अगर हाल ही में उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं तो वो डाइट लाइफस्टाइल कैसा है। ऐसे आपको डाइट और लाइफस्टाइल अलग अलग फेज में जो थे वो लिखने चाहिए। सॉरी डाइट लाइफस्टाइल, हाँ डाइट लाइफस्टाइल में डेली रूटीन आपको लिखना है पूरा। तो डेली रूटीन बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द डिसीज इसमें आप मेंशन कर सकते हैं ये कब से बता रहे हैं पेशेंट। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट ऐसे बोल सकते हैं कि मैं 2018 से 2020 में मेरी ये लाइफस्टाइल थी, तो वो आपको मेंशन करना है। डेली रूटीन ड्यूरिंग डिसीज मतलब सिम्टम्स शुरू हो जाने के बाद जो उनका डेली रूटीन था वो कितना ड्यूरेशन के लिए बता रहे वो आप लिख सकते हैं। लास्ट 6 महीने से मेरा ये है। फिर डेली रूटीन इफ रिसेंटली चेंज्ड, अगर उन्होंने रिसेंटली डेली रूटीन में कुछ चेंजेस किए हैं तो वो कब से चेंजेस किए हैं वो कब से बता रहे वो ड्यूरेशन यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का उनका जो शेड्यूल है वो पूरा लिखना है। फॉर एग्जाम्पल सुबह 7 बजे उठते हैं तो उठने के बाद फिर टॉयलेट अपने आप होती है क्या ये पूछना है। अगर नहीं होती है तो टॉयलेट के लिए आप कुछ चाय या कुछ लेते हैं उसके बाद ही होता है ऐसा कुछ है क्या वो पूछना है। फिर वो लिखना है, फिर टूथब्रश वगैरह कुछ करते तो वो लिखना है। फिर नाश्ते के पहले नहाते हैं या नहाने के बाद नाश्ता करते हैं ये भी आपको वो मेंशन सीक्वेंस में मेंशन करना है, क्योंकि कोई कोई पेशेंट या बहुत सारे पेशेंट ये नहाने से पहले ही नाश्ता कर लेते हैं। एक्चुअली आयुर्वेदिक डाइट लाइफस्टाइल के हिसाब से ये गलत है। और वेट टी लेते हैं क्या तो वो भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और जो टूथब्रश करते हैं तो वहाँ पे आपको मेंशन करना है कि वो क्या इस्तेमाल करते हैं, दंत मंजन इस्तेमाल करते हैं या टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं। अगर टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं तो नॉर्मल टूथपेस्ट यूज करते हैं या जेल वाले जो कूल रिफ्रेशिंग टूथपेस्ट यूज करते हैं ये भी आपको देखना पड़ेगा। फिर नहाने के इसमें वो नहाने के लिए गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं या पूरे ऑल सीजन वो ठंडा ही पानी इस्तेमाल करते हैं ये पूछना है, या फिर सीजन वाइज वो पानी गर्म या ठंडा इस्तेमाल करते हैं वो भी आपको चेक करना है, वो आप मेंशन कर सकते हैं। और फिर नाश्ता, नाश्ता जो है नाश्ते में क्या क्या खाते हैं ये इन डिटेल पूछना है। अगर नाश्ते में कुछ अनहेल्दी फूड या कुछ जंक या फास्ट फूड होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह जो है वो भी पूरी तरह से यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। जस्ट अ मिनट होल्ड कीजिए। सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ नाश्ते में क्या क्या खाते हैं वो भी आपको मेंशन करना है, और कुछ जो फ्रीक्वेंसी है खाने की वो आइटम्स की वो भी आपको मेंशन करनी है। और फिर जो उनका बीच बीच में अगर कुछ चाय होते रहेगा तो वो चाय भी टाइमिंग के साथ कितना चाय लेते हैं वो भी आपको मेंशन करना है। चाय में वो नॉर्मल चाय लेते हैं या दूध वाला चाय लेते हैं या फिर हर्बल टी लेते हैं वो भी आपको मेंशन करना है। और अगर ग्रीन टी या हर्बल टी ले रहे हैं तो वो आपको
मतलब उसके कंटेंट भी पता होने जरूरी है क्या लेते हैं, वो बाद में भी आप पूछ सकते हैं अगर वो टाइम पे आपको पता नहीं या पेशेंट को बता नहीं पा रहा है तो। क्योंकि हर्बल टी में अगर बहुत सारे उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य होंगे तो उसकी वजह से भी पर रेक्टल ब्लीडिंग या पिंपल्स आना बार बार या यूरिन येलोइश होना, यूरिन को बर्निंग होना या एनल रीजन में बर्निंग होना, ऐसे सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई दे सकते हैं। और अगर वो रीजन है तो वो आप नलीफाई कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं वो, या सब्स्टिट्यूट दूसरा कुछ हर्बल टी बता सकते हैं, या कुछ प्रिकॉशन वो ले रहे हैं कोरोना के लिए प्रिवेंटिव, तो उसमें भी ऐसी उष्ण तीक्ष्ण अगर चीजें होंगी तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो भी आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये आप मेंशन कर सकते हैं। फिर अगर वो खाना कितने बजे खाते हैं वो लिखना है, और फिर खाने में क्या क्या खाते हैं उसकी क्वांटिटी क्या क्या रहती है ये भी आपको मेंशन करना है, और खाने के साथ क्या क्या रहता है वो आपको मेंशन करना है, अचार दही या कुछ तले हुए पदार्थ या स्वीट वगैरह वो सब मेंशन करना है। फिर खाने के तुरंत बाद वो सोते हैं क्या वो भी आपको देखना है, तो वो भी मेंशन करना है। और सोते हैं तो वो पावर नैप लेते हैं या पूरा सोते हैं लाई डाउन होके, और कितने घंटे के लिए सोते हैं ये भी आपको मेंशन करना है। फिर उसके बाद अगर बीच बीच में कुछ चाय ले रहे रहेंगे तो वो भी मेंशन करना है। फिर शाम को कुछ नाश्ता लेते हैं तो वो डिटेल में मेंशन करना है। फिर रात को कुछ नाश्ता सॉरी रात को जो खाना खाते हैं वो मेंशन करना है, इन डिटेल लिखना है। और फिर रात को कितने बजे सोते हैं ये लिखना है, ठीक है। तो ये सब चीजें दिनचर्या में एक्सपेक्टेड है, ये आपको दिनचर्या जितनी आप अच्छी लिखेंगे डिटेल में उसमें बहुत सारे पॉइंट्स या जो हेतु है डिसीज के वो सब हेतु आपको दिनचर्या में मैक्सिमम हेतु मिल जाएंगे, और जो जो हेतु जहाँ जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे उधर ही आपको स्टार करना है। और आप अगर ओरली कुछ उनको टिप्स बताने वाले हो सब कंसल्टेशन के बाद, या कुछ आप उनको डाइट एंड लाइफस्टाइल का अगर आपको चार्ट देना चाह रहे रहेंगे उनको, तो वो अलग से अगर चार्ट देने वाले होंगे तो उसमें आपको ये सब चीजें क्या क्या स्टॉप करनी है लिखनी पड़ेंगी, और जो चीजें स्टॉप करनी है उसको अगर आप कुछ सब्स्टिट्यूट बताने वाले हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। और पूरी आप नई आयुर्वेदिक डाइट एंड लाइफस्टाइल देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। और इन्वेस्टिगेशंस जो है जो सबसे लास्ट में आपको देखने हैं वो आपको मेंशन करने हैं, और जो इन्वेस्टिगेशंस आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं और जो किए नहीं है पेशेंट ने या करके बहुत सारा पीरियड हो चुका है, ऐसे कुछ इन्वेस्टिगेशंस आप पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं जिससे आपका डायग्नोसिस और अच्छा हो सकेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को खाली यूरिन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है या यूरिन कभी कभी येलोइश होती है, ऐसा ही सिम्टम रहता है, पेन बिल्कुल नहीं रहता, लेकिन फिर भी उनको सोनोग्राफी में यूरिनरी स्टोन एक्सीडेंटल फाइंडिंग डिटेक्ट होता है। तो ये भी आपको सोचना है कि सोनोग्राफी कब एडवाइस करनी है। प्रेजेंट प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस अगर कुछ है तो उसके बारे में लिखना है, इससे आपको ये जानकारी आ सकती है कि कौन से मेडिसिन पेशेंट ले रहा है, उसको कौन सी बीमारियां हैं, ये वापस एक बार आपको कंफर्म हो जाएगा। अगर कुछ बीमारी पेशेंट ने पास्ट हिस्ट्री ऑफ में नहीं लिखी है तो वो मेडिसिन के हिसाब से आपको समझेगा कि उसको ये भी तकलीफ है। तो और आपको अगर कौन सी मेडिसिन ऑन द स्पॉट आपके डे वन से, आपके मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद डे वन से कोई मेडिसिन आपको स्टॉप करनी हो तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंटासिड्स जो है वो एंटासिड आप डे वन से स्टॉप कर सकते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट में आप एक तो मुनक्का का काढ़ा दे सकते हैं या फिर
आंवला भी दे सकते हैं, मोरावला दे सकते हैं, आंवला कैंडी दे सकते हैं। ऐसे आप सोच के कुछ तो अच्छी तरह से एंटासिड डे वन से स्टॉप कर सकते हैं। फिर अगर एंटी कोलेस्ट्रॉल कुछ मेडिसिन है तो वो भी आप डे वन से स्टॉप कर सकते हैं। अगर आपका मेडिसिन जो ड्रग ऑफ सिलेक्शन आपका अगर एकदम परफेक्ट है तो आपको एंटी कोलेस्ट्रॉल या एंटी हाइपरलिपिडमिक जो मेडिसिन है उस पर डिपेंडेंट रहने की कुछ भी जरूरत नहीं होती है। ये दो जो मेडिसिन है हम डे वन से स्टॉप कर सकते हैं। फिर जो अगर एंटी हाइपरटेंसिव रहेंगे या एंटी डायबिटिक रहेंगे, डायबिटिक मेडिसिन, एंटी डायबिटिक मेडिसिन रहेंगे, तो वो मेडिसिन आप ग्रेजुअली आपके मेडिसिन से जो अच्छा रिजल्ट आएगा उसे जो आप बाद में कुछ रिपोर्ट्स देखेंगे तो आपको या क्लिनिकली कुछ चेंजेस देखेंगे, फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन में रिपोर्ट प्लस क्लिनिकल चेंजेस ये दोनों देखना है। ऐसे ही आप क्लिनिकल चेंजेस प्लस रिपोर्ट डायबिटीज में देख के डायबिटीज के मेडिसिन एलोपैथिक डॉक्टर की सलाह से ही वो धीरे धीरे वो अपने आप टेपर होती जाएंगी, ऐसा भी हो सकता है। या अगर डॉक्टर अच्छा कोई नहीं है जो क्या बोलते उसको जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे जिसकी कमांड हो, या कोई कोई डॉक्टर ऐसे रहते कि वो कितने भी अच्छे रिजल्ट दिया फिर भी वो मेडिसिन टेपर डाउन नहीं करते हैं, तो ऐसा रहेगा तो वो मेडिसिन टेपर डाउन का जिम्मा आपको लेना पड़ सकता है। उसके लिए आप कंसेंट फॉर्म साइन करके पहले से ही ले सकते हैं। प्रेजेंट होम रेमेडीज कंज्यूम्ड विदाउट मेडिकल एडवाइस, इसमें बहुत सारे अगर कोरोना में अगर कोई काढ़ा वगैरह कुछ ले रहे हैं तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, और कुछ मेडिसिन अगर वो कॉन्स्टिपेशन के लिए या एसिडिटी के लिए ले रहे हैं तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, या अगर कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट्स या कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। तो आपको अंदाजा आ जाता है या आप एडवाइस भी उनको कर सकते हैं अल्टीमेटली कि तो ये सप्लीमेंट अगर कुछ स्टॉप करना है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में ही आप सब कुछ दे रहे हैं अगर तो, या अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी कुछ जरूरत नहीं रहेगी सप्लीमेंट्स के तौर पर कुछ देने की तो वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। इस तरीके से ये पॉइंट्स मैंने आज कवर किए हैं। फिर हम अभी कुछ असाइनमेंट जो है उसमें से कुछ लेंगे और उसके बाद Q&A सेशन लेंगे। नहीं सॉरी, असाइनमेंट के पहले मैं कुछ केस स्टडीज प्रैक्टिकली आपको समझने के लिए कुछ बताता हूँ। अप्लाइड एस्पेक्ट बताता हूँ। बहुत सारे केसेस ऐसे अपने हमें देखने को मिलते हैं कि फीमेल्स में ज्यादातर वेट गेन का इशू ज्यादा होता है, तो ये जो पेशेंट है अगर इनमें आफ्टर डिलीवरी ही फास्ट उनका वेट गेन हुआ है तो ऐसे पेशेंट्स में आपको डिटेल केस टेकिंग में समझ लेना पड़ता है कि कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो मेद वृद्धि है, स्थौल्य है, मेधावृत्त वात है,
पांडु है या शोथ है, ये आपको देखना पड़ता है। और अगर आपका डायग्नोसिस परफेक्ट हो गया तो ही आपको ये केसेस में रिजल्ट मिलते हैं, नहीं तो जो ओबेज दिखते हैं वो सबको ओबेसिटी ही डायग्नोसिस उनका होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। और आपको ये भी पूछना है, डाइट में एक्चुअली फीमेल्स में ये पॉइंट शायद रह गया। बहुत सारे फीमेल्स में आपको ऐसे देखने को मिलता है कि प्रेगनेंसी के वक्त उनका जो डाइट है वो डाइट, और प्रेगनेंसी के बाद का, फॉर एग्जांपल डिलीवरी के बाद का उनका जो डाइट है वो डाइट काफी हेवी हो जाता है, और वो डाइट भी एक्चुअली अग्नि के हिसाब से होना चाहिए, वो तरीके से नहीं होता। उसकी वजह से ज्यादातर जो फीमेल्स है उसमें वेट गेन होता है, तो ये भी आपको रूल आउट करना है। तो मेधावृत्तवाद, अगर आपका निदान हुआ तो मेधावृत्तवाद की अगर आप ट्रीटमेंट देंगे या फिर पंचकर्म करेंगे, तो पंचकर्म के बाद या मेधावृत्तवाद के ट्रीटमेंट के बाद ही वो ओबेसिटी कम होती है, ना कि डायरेक्ट स्थूल या मेधावृत्ति के ट्रीटमेंट से। इसलिए आपका डायग्नोसिस परफेक्ट होना जरूरी है। इसमें वमन और विरेचन के साथ साथ, अगर मेधावृत्तवाद है उसमें वमन और विरेचन के साथ साथ बस्ती का काफी सारा इम्पोर्टेंस रहता है। अगर वमन विरेचन के लिए इंडिकेटिव ना हो तो आप डायरेक्ट बस्ती भी ये केसेस में कर सकते हैं, जिसमें एज सच हार्मफुल कुछ नहीं होता, सेफेस्ट पंचकर्मा है बस्ती। लेकिन अगर पॉसिबल है, बल अच्छा है पेशेंट का और इंडिकेटेड है वमन या विरेचन के लिए, तो वमन या विरेचन के पश्चात अगर आप बस्ती देंगे तो काफी सारा रिजल्ट अच्छा मिलेगा और फास्ट मिलेगा। इसमें काफी सारे पेशेंट ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिनकी टीएसएच बढ़ा हुआ रहता है, या थायराइड की जो कुछ रिपोर्ट्स है उसमें कुछ वेरिएशंस भी रहते हैं, तो इसमें रसदुष्टि एक कारण होता है। और जैसे बताया गया है, रस निमित्तम स्थौल्यम कार्यम कार्यम च, इसलिए ऐसे जो पेशेंट है जिसमें टीएसएच बढ़ा हुआ हो या वेट गेन हुआ हो और कुछ हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स अगर उनमें कुछ दिख रहे हो, तो आपको रसपाचक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या कुछ और दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या प्रत्यक्ष धात्र आदि जो क्वाथ है उसका भी आप स्मार्टली उपयोग कर सकते हैं। और ये भी आपको और एक बताता हूँ, कोई कोई पेशेंट ऐसे रहते हैं कि जो आप आपके पास आते वक्त अम्ल पित्त या शिरशूल ऐसी कंप्लेंट लेके आते हैं, लेकिन आप जब अगर डिटेल प्रॉपर कंसल्टिंग लेंगे अगर, और आपको अगर पता चला कि उनको कॉन्स्टिपेशन की भी आदत है, और अगर आपको ये दिखाई दिया कि कॉन्स्टिपेशन के पहले से होने की कॉन्स्टिपेशन पहले से था और उसके कुछ समय बाद उनको एसिडिटी या हेडेक ये सिम्टम्स बाद में शुरू हुए हैं, तो आपको पहले कॉन्स्टिपेशन ट्रीट करना पड़ता है, या कॉन्स्टिपेशन के मेडिसिन के साथ साथ शिरशूल या आम्ल पित्त का विचार करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने कॉन्स्टिपेशन का विचार प्रॉपर नहीं किया और उसके लिए अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो ये चिकित्सा मूलगामी नहीं होती है और उनका जो शिरशूल है या आम्ल पित्त है वो पूरी तरह से बिल्कुल ट्रीट नहीं हो पाता। कोई कोई पेशेंट में खाली आप कॉन्स्टिपेशन ही ट्रीट करेंगे तो उससे ही अपने आप भी शिरशूल और आम्ल पित्त ट्रीट होता है। अभी मेरे पास केसेस जो है वो प्रॉपर गूगल डॉक पे प्रेजेंट करके लिखे हुए नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही आपको एग्जाम्पल के तौर पे डायरेक्ट बताते जा रहा हूँ।
एक ही पेशेंट में जैसे मैंने पहले बताया अगर बहुत सारी बीमारियां हैं तो आपको कौन सा नॉट पहले खोलना है आपको समझना चाहिए, तो ये काफी इम्पोर्टेंट होता है। और एक ही डिसीज की वजह से अगर आगे जाके और बाकी के सब डिसीज पैदा हुए हैं तो वो आप पहले वो डिसीज पे भी आप काम करना शुरू कर सकते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स में कृमि ये निदान मिलता है, जैसे अगर ग्रहणी का पेशेंट है या कुछ कोई मेदो वृद्धि या स्थूल ऐसा रुग्ण दिख रहा है तो उसमें भी कृमि होने के चांसेस हो सकते हैं। कृमि का निदान बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड केसेस में हो सकता है। अगर स्किन डिसीज का पेशेंट है उसमें भी कृमि आपका निदान हो सकता है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है कृमि की वजह से डिसीज मैनिफेस्टेशन अलग अलग हो सकता है। कृमि की वजह से कन्वर्जेंस भी आ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है कृमि की वजह से, इसलिए कृमि का निदान प्रॉपर होना भी जरूरी होता है। अपना एक स्किन डिजीज का पेशेंट था, एक्चुअली उनको अल्टीकेरिया था तो उसके लिए वो ट्रीटमेंट ले रहे थे और उनको फूड इंटॉलरेंस ऐसे बताया गया था एलोपैथी डॉक्टर से। तो हमने ट्रीटमेंट मतलब उनकी प्रॉपर केस चेकिंग ली और अपना डायग्नोसिस ऐसा निकला कि पित्त धातु पित्त दोष दुष्ट हुआ है और उसकी वजह से रक्त धातु दुष्ट हुआ है, उसकी वजह से त्वचा पे ये मैनिफेस्टेशन दिख रहा है। तो ये अर्टिकेरिया की तरफ जा रहा था जो उसका प्रेजेंटेशन था वो, तो लेकिन हमने प्रॉपर अर्टिकेरिया वगैरह से डायग्नोज ना करते हुए डायरेक्ट पित्त दुष्टि और उसकी वजह से रक्त दुष्टि ऐसा सिंपल डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट शुरू किया था। बहुत अच्छा रिजल्ट उनको मिलने को शुरू हुआ, लेकिन एक फॉलोअप में मुझे ऐसे देखने में मिला, उन्होंने कुछ कृमि के सिम्टम मुझे बताया, मतलब सलाइवेशन ज्यादा होना या एनल इचिंग ऐसे कुछ कृमि के सिम्टम्स उन्होंने बताए। तो उसके बाद मैंने उनके मेडिसिन में रक्तज कृमि का विचार करके भी कुछ मेडिसिन ऐड किए और उनको लघु मंजिष्ठादि तो पहले से शुरू था तो